हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉकडाउन के बारे में। आखिर लॉकडाउन क्या है, देश में इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं, अप्रॉक्स हर जगह लॉकडाउन की स्थिति सामने आ रही है। देश ही नहीं पूरे विदेश में ऐसी बातें सामने आ रही है। आखिर ये लॉकडाउन होता क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और क्या होता है, इन परिस्थितियाँ में कैसे इनसे बचा जा सकता है, किन चीज़ों पर पाबंदी रहती है, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन विषम परिस्थितियों में लगाई जाती है लॉकडाउन, सारे जो डिटनी डाउट्स हैं क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड, बिना समय गंवाए चलते हैं, इस पे नज़र डालते हैं जो कि हाल ही में बिहार में भी लागू किया गया है लॉकडाउन की व्यवस्था, आखिर क्या है। चलिए इस पर पूरी चर्चा करते हैं, देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं क्या होता है लॉकडाउन। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर आप किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती। इतना ही नहीं, जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों के लिए ही बाहर से निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की ज़रूरत है तो बाहर जा सकते हैं, फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के देखभाल के लिए काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। इसके साथ ही क्यों करते हैं लॉकडाउन, आखिर किन परिस्थितियों में लॉकडाउन किया जाता है, किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, जैसे हाल ही में कोरोना के संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे इंसान में ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकलें। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन की स्थिति जैसी हो गई है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा किन देशों में है लॉकडाउन, चीन, डेनमार्क, अल साल्वाडोर, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड और स्पेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी वर्तमान में बनी हुई है। क्योंकि चीन में ही सबसे पहले यह जो है कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया है था, इसलिए सबसे पहले वहां लॉकडाउन किया गया। इटली में मामला गंभीर होने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद स्पेन और फ्रांस ने भी कोरोना को संक्रमण रोकने के लिए यह कदम उठाया। कब कब हुआ लॉकडाउन, तो जी दोस्तों, अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद भी वहां 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था। दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने दंगा रोकने के लिए भी लॉकडाउन किया था। 19 अप्रैल 2013 को बोस्टन शहर को आतंकियों की खोज के लिए भी लॉकडाउन कर दिया गया था। नवंबर 2015 में पेरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए भी साल 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था। तो फ्रेंड, हाल ही में जो कि यह स्थिति बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में की जा रही है, काफ़ी शहरें जो हैं इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन क्या होता है आपने सारी जाना, किन परिस्थितियों में किया जाता है, या कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिससे कि वह क्षेत्र उन विशेष परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, चाहे आतंकी हमला हो या फिर वित्तीय संकट हो या महामारी हो, ऐसी कोई घटनाएँ जो विकट होती है जो कि देश और राष्ट्रहित के लिए उनसे सुरक्षित रखना जरूरी होता है, उन परिस्थितियों में किया जाता है। तो इन परिस्थितियों में जो आपको जो कुछ नेसेसरी हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दूध जैसे बैंक ओपन किया जाता है, पैसा वगैरह के, और डेली नेसेसरी किराने का आइटम, मतलब आपके जीवन
जैसे चले, उन सभी चीज़ों को इनसे मुक्ति मिलती है। हॉस्पिटल वगैरह सभी खुले रहते हैं, बैंक वगैरह मतलब सारी इमरजेंसी जो भी सेवाएं हैं उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि जीवन संकट में नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार में भी लागू कर दिया गया है अप्रॉक्स 31 मार्च 2020 तक। तो पूर्व के हमने वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों पर लागू किया गया है, कुछ विशेष जो बताया गया है। और मन में कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब देता है लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर। तो फ्रेंड्स, 31 मार्च 2020 तक जो दिया गया है उनका पालन करें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और औरों को भी जागरूक करें। जितना हो सके घर में रहें, स्टे होम, और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो यह चला है संक्रमण बीमारी कोरोना वायरस COVID-19, तो उसको हर हाल में जो है इसको जो प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनावे और इसे रोकथाम की ज़रूरत है। जितना एहतियात बरते और जितना इसको रोकथाम किया जाए उतना ही अच्छा है देश हित राष्ट्र हित में। और आप सभी के लिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, तो औरों को भी जागरूक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि वह हर व्यक्ति जो इस के बारे में जानना चाहते हैं वो इस से अवगत हो सके और इसका पालन करे और जो है सारी जो चीज़ें हैं उनसे अवगत हो सके और अपने जीवन को सुरक्षित रखे और अपने स्वस्थ रखे, औरों को भी सुरक्षित रखे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो कि इन दिनों बन रहे थे, जो कि आप सभी को बताना ज़रूरी था। आप तमाम सारे कमेंट आए, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जो भी सूचनाएं आती है सही सूचनाएं सही समय पर और हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, हर उस सूचनाओं से अवगत कराने की कोशिश करते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्र से भी फ्रेंड्स सभी को शेयर करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।